Now we come to homologous series. आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहां पर लेंगे दैट इज होमोलॉगस सीरीज. सीरीज मीन्स अरेंजमेंट. नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, राइट? सो सीरीज मीन्स अरेंजमेंट. द टर्म होमो मीन्स यूनिफॉर्म. कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सेम है, वहां पर कुछ कॉमन चीज है. तो ये दोनों को, दोनों टर्म्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. अब है क्या होमोलॉगस सीरीज? इफ आई डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, आई से होमोलॉगस सीरीज मे बी डिफाइन एज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड, सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच the members possess similar chemical properties and the two consecutive members differ by a CH2 group, right? तो ये वाला जो later part है definition का CH2 group वाला, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगी. अभी पहला इसका main part समझ लेते हैं. That is homologous series is the similarly constituted is a series of similarly constituted compounds in which the members possess similar chemical properties. Because we are saying it is homologous series, वहाँ पर कुछ similarity होनी चाहिए. तो compounds क्या है? Similarly constituted. Similarly constituted का मतलब they all belong to the same family. They belong to the same class of compounds. मतलब अगर आपने फोर मेंबर्स लिखे हैं सपोज किसी सीरीज में, वो फोर मेंबर्स एक ही टाइप के होने चाहिए. दे शुड बी सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड. मतलब अगर वो एल्केन्स है तो चारों ही एल्केन्स होने चाहिए, अगर वो एल्कीन्स है तो चारों ही एल्कीन्स होने चाहिए, अगर वो एल्काइन्स है तो चारों ही एल्काइन्स होने चाहिए. मतलब यू कैनॉट मिक्स इंटरमिक्स कंपाउंड. वो या तो एल्केन्स होंगे सारे, या एल्कीन्स होंगे, या एल्काइन्स होंगे, या किसी और तरीके का कार्बन कंपाउंड होगा. सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, सारे अल्कोहल हो गए. तो सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का मतलब दे हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बॉन्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन आप ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट. एंड डेफिनेटली अगर वो सारे एक ही क्लास के कंपाउंड्स होंगे तो उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल करेंगे. सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज दे आर कॉल्ड होमोलॉग्स. मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स. हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं होमोलॉगस सीरीज का. यहाँ पर लेट्स से हम एल्केन की होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेंबर से. याद रखिएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. तो आप इस जनरल फॉर्मूले को यूज करके आप एल्केन की होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो. एक बार आप सब्स्टिट्यूट करो. मिनिमम से हम स्टार्ट करें तो एक बार सब्स्टिट्यूट कीजिए n=1, देन सब्स्टिट्यूट कीजिए n=2 एंड सो ऑन, राइट? सो ऐसे करेंगे तो फर्स्ट मेंबर आ जाएगा CH4, देन इट विल बी C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 एंड सो ऑन. आप कितने भी मेंबर सीरीज में बना सकते हो. तो ये एक सीरीज है, एक अरेंजमेंट है. मैंने एल्केन्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में. तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मैंने कर दिया सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एल्केन्स, राइट? सो दिस बिकम्स द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स. और ये फाइव जो मेंबर्स हैं इस होमोलॉगस सीरीज के, आई विल कॉल देम एज होमोलॉग्स, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला. हम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, हम इसी एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे सो दैट दे बिकम वेरी क्लियर टू यू. तो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी होमोलॉग्स हैं होमोलॉगस सीरीज में, जितने भी मेंबर्स हैं, दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला. जैसे ये एल्केन्स है तो इन सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है. अगर मैं यहाँ एल्कीन्स की सीरीज बनाती तो उसमें सबका ही जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? CnH2n, राइट? तो जितने भी होमोलॉग्स हैं, बिकॉज दे आर सेम सिमिलर कंपाउंड्स, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, इसीलिए उन सबका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक
Any two consecutive members differ in the formula by a common difference of CH2 and the difference in molecular mass of 14. Right, this is a very very important characteristic of homologous series. अगर हम इस homologous series को study करें तो two consecutive members are these. आप इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं. So they are consecutive members. और अगर मैं बहुत सिंपल एक सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करूँ कि C2H6 में से मैं CH4 माइनस कर लेती हूँ तो एक कार्बन रह जाएगा एंड दो हाइड्रोजन रह जाएंगे. सो दीज टू डिफर बाय अ CH2 ग्रुप. सिमिलरली यही चीज अगर मैं इन दोनों के साथ करूँ तो ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा एंड दिस विल बी सेम फॉर ऑल. तो अगर लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर में इफ आई एड अ CH2 ग्रुप इट फॉर्म्स अ हायर मेंबर में से CH2 ग्रुप माइनस करूंगी तो लोअर मेंबर बन जाएगा. सो एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ CH2 ग्रुप एंड डेफिनेटली इफ दे आर डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप उनके मास में डिफरेंस भी इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली होगा. इफ आई कैलकुलेट द मास ऑफ CH2 ग्रुप इट विल बी 12 फॉर कार्बन एंड 2 फॉर हाइड्रोजन, 1 फॉर ईच हाइड्रोजन, टोटल बिकम्स 2. तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास में. यानी अगर CH4 का मास है और C2H6 का मास है तो इन दोनों के मास में मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी अ 14 यूनिट्स. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज दैट एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉग्स डिफर बाय CH2 ग्रुप इन देयर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड they differ by 14 units in their molecular mass. Then third characteristic of homologous series is different members in a series have a common functional group. Although अभी तक हमने functional group नहीं पढ़ा है but still functional group in the sense they all belong to the same class of compounds. जैसे ये सारे alkenes लिखे हैं मैंने, ऐसे आप लिखोगे तो सारे एल्कीन्स होंगे. सो फंक्शनल ग्रुप हम इस सेंस में समझ सकते हैं कि जैसे एल्कीन्स है तो सारे कंपाउंड्स होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन्स है तो सब कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड होगा. राइट, सो दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दे बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ कंपाउंड, सो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर होमोलॉगस सीरीज इज the members in any particular family have almost identical chemical properties. Obviously, when we are saying the general formula is same, they belong to the same class of compounds, they are similarly constituted compounds, iska matlab unki jo chemical properties hongi wo kya hongi? Similar hongi. Right? और इन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन मास, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होंगी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, दैट शोज अ रेगुलर ग्रेडेशन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी डिफरेंट. ऑब्वियसली मास डिफरेंट है, जब हम इनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ जाते हैं. जैसे अभी मैंने आपको पहले समझाया था स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं हम, उनको ब्रांच चेन भी बना सकते हैं. तो स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, मास में चेंजेस होंगे तो भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. राइट, सो होमोलॉग्स में केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स. हमने एक होमोलॉगस सीरीज बनाई है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी बिकॉज दे डिफर इन देयर मास. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइडेंटिकल मेथड्स. किसी भी होमोलॉगस सीरीज में हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज दे द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइडेंटिकल मेथड्स. वाई? बिकॉज फिर से वही चीज मैं रिपीट करूंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दे आर द सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, उनके केमिकल रिएक्शन सेम होंगे, इसीलिए हम उनको आइडेंटिकल मेथड से प्रिपेयर कर पाएंगे. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर आइडेंटिकल मेथड से हम होमोलॉग्स को प्रिपेयर कर रहे हैं. हम एल्केन्स का एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑल एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडा लाइम. तो हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज अ जनरल मेथड फॉर एल्केन प्रिपरेशन, जहां पर हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डी कार्बोक्सिलेशन. नाउ डी कार्बोक्सिलेशन बेसिकली मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
डीई दैट दिस प्रिफिक्स मीन्स रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? वी हैव टेकन अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, से एसिटिक एसिड, राइट, विच हैज अ फॉर्मूला CH3COOH। दिस COOH ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जिस भी कंपाउंड में ये COOH ग्रुप होता है हम उसको बोलते हैं इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, पर एसिड नहीं लेना है आपको, उसका क्या लेना है? सोडियम सॉल्ट। तो अगर मैं इसका सोडियम सॉल्ट बनाऊं, इट बिकम CH3COONA, सोडियम एसिटेट, सोडियम इथेनोएट, राइट। तो ये हो जाएगा एक सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें से हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। बट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर देते हैं, यहां पर हम डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज करेंगे सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा एंड लाइम। लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एंड सोडा हियर रेफर्स टू कास्टिक सोडा NaOH। तो इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। इन इस मिक्सचर का, सोडा लाइम का जो फंक्शन है दैट इज व्हाट? डीकार्बोक्सिलेशन। इट रिमूव CO2, बट इट डज नॉट रिमूव CO2 एज CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के फॉर्म में रिलीज नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा। इट विल रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव करेगा, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट हम इसमें लगाते हैं। क्या कंसेप्ट है? एक सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ले लिया हमने। यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया है दैट इज CH3CONA, इसमें हम क्या कर रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, CO2 रिमूव कर रहे हैं। बट क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का एजेंट हमने चूज किया है सोडा लाइम, जिसका फंक्शन है Na2CO3 को रिमूव करना, तो वो इस सोडियम एसिटेट में से, इस सोडियम सॉल्ट में से वो क्या करेगा? सोडा, सोडियम कार्बोनेट को रिमूव करेगा। तो लेट्स सी कैसे होगा ये। CH3COONA, ये हमने सोडियम सॉल्ट लिया, इसका रिएक्शन हम सोडा लाइम से करवाते हैं। सोडा लाइम में मेजॉरिटी अमाउंट में प्रेजेंट होता है NaOH, रफली अगर मैं बताऊं तो ये 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो NaOH है कैल्शियम ऑक्साइड, हेल्पिंग एजेंट है यहां पर, और इनका फंक्शन है Na2CO3 को रिमूव करना, तो रिमूव कर दीजिए Na2CO3, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ऑल द रिएक्शन, मतलब मैं आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूं। ये आपने रिमूव किया Na2, ये एक कार्बन C और 3 एटम ऑक्सीजन के रिमूव करने, तो ये तो बन जाएगा बाय प्रोडक्ट Na2CO3। बचा क्या? यहां से बचा CH3, यहां से बचा H, कंबाइन होकर क्या बन गया? CH4 एन एल्केन, राइट। सो इस मेथड से हम किसी भी एल्केन को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाउ इफ यू नोटिस, तो यहां पर जो हमने सोडियम सॉल्ट लिया था उसमें दो कार्बन थे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2। जो एल्केन बना उसमें कितने कार्बन एटम है? 1, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक कार्बन तो Na2CO3 के फॉर्म में रिमूव हो रहा है ना, राइट। तो यहां पर जो भी एल्केन आपको प्रिपेयर करना है, ऑब्वियसली प्रिपरेशन करें तो हमें पता होगा कौन सा एल्केन हमें प्रिपेयर करना है। तो जो भी हमें एल्केन प्रिपेयर करना है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उससे एक ज्यादा कार्बन एटम वाला हमको क्या लेना है? सोडियम सॉल्ट लेना है। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, मैकेनिज्म पूरा सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि जिस भी एल्केन को आपको प्रिपेयर करना है आप उससे एक ज्यादा कार्बन एटम वाला क्या लोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई नीड टू प्रिपेयर हेक्सेन व्हिच हैज 6 कार्बन एटम्स इन ऑल, दैट इज एन एल्केन विद 6 कार्बन एटम्स, आई हैव टू टेक अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इन टोटल 7 कार्बन एटम्स फॉर दैट। तो इस तरीके से आइडेंटिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं।